हमारे यहाँ पे 18 जनवरी धंतोली थाने में सुबह एक 8:30 बजे के दरमियान, 7:30 बजे के दरमियान बैंक के मैनेजर इन्होंने हमारे यहाँ के तपास पथक के एपीआई चौधरी इनको फ़ोन करके बताया था कि एटीएम में कुछ अज्ञात लोग घुसे और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस बेस्ते चौधरी साहब घर पे थे, उन्होंने पुलिस थाना लैंडलाइन पे कॉल किया, तभी जो ड्यूटी पर सुनील शिंदे मेजर थे वो तुरंत जैसे ही कॉल आया वो अपने साथ सिपाही उत्तम सरकटे इनको लेकर तुरंत अजनी चौक एरिया में पहुंचे और वहाँ जाके उन्होंने वो ट्रैप लगाया। तभी उनके ध्यान में आया कि कोई दो अज्ञात व्यक्ति एटीएम के बाहर निकले हैं, तो वो पुलिस को देख के वो अज्ञात दोनों व्यक्ति भागने लगे, तो इन लोगों ने उनको उनका पीछा करके उनको ताबे में लिया और ताबे में लेके उनके उनको पूछताछ की। और जो बैंक की टीम है वो बैंक की टीम ने भी वेरीफाई किया, वहाँ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो मैनेजर है मिश्रा मैडम इन्होंने वेरीफाई किया और थाने में आके रिपोर्ट दी कि जो एटीएम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अजनी चौक वाला, वो एटीएम में ये जो दो अज्ञात व्यक्ति है ये एटीएम में घुस के एटीएम का हुड निकाल कर उसमें से पैसे चोरी किए हैं। तो हमने 379/511 आईपीसी के तहत गुना दाखिल किया है। आरोपी को वो गुने में अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन करने के बाद ये पता चला कि ये दोनों जो आरोपी है, एक का नाम है नारायण राजपूत, उम्र है 27 साल, और दूसरे का नाम है चंद्रशेखर निषाद, उसकी उम्र है 25 साल। दोनों हीरापुर के रहने वाले है, स्टेट उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के है। ये दोनों 6वीं 7वीं कक्षा तक के ये लोगों ने पढ़ाई की है। ये लोगों के पास खुद के और रिलेटिव्स के 11 एटीएम कार्ड मिले हैं। उनको पूछने पर इन्होंने बताया कि वो एटीएम कार्ड से ही एटीएम में जाके पिन कोड डालते थे और जैसे ही पैसे विड्रॉल होने का या मशीन का आवाज़ आता था तभी उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से वो जो एटीएम का हुड है वो हुड निकाल कर एटीएम से पैसे चोरी करते थे। ये इनका मोडस है। और बाद में अकाउंट से डेबिट दिखाने के बाद बैंक को क्लेम करते थे कि हमारे अकाउंट से डेबिट हुए, फिर बैंक से क्लेम के पैसे लेते थे। यानी उन्होंने अभी तक के अलग अलग स्टेट में जाके ऐसा जो है इस टाइप की चोरी की है। हमारे यहाँ पे नागपुर में पिछले महीने में 20/12/2023 को सेम ऐसी घटना इन्हीं लोगों ने की थी, तभी बैंक वालों को पता चला था। उसी बेस पे हमने बैंक वालों को बताया था कि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस को तुरंत कॉल करो, तो बैंक वालों ने पुलिस को तुरंत कॉल करने से नोएडा से कॉल आया था, वहाँ के सर्विलेंस टीम के टीम को ध्यान में आया था और सर्विलेंस टीम ने धंतोली थाने को तुरंत कॉल करने के बाद धंतोली थाने के जो कर्तव्य पे जो पुलिस हमारे पुलिस कर्मचारी है उन्होंने तत्परता दिखाई और वो आरोपियों को ताबे में लिया।